गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। सो 9 क्लास एंड प्रीवियस डे वी डिस्कस एंड थ्योरम नंबर 8.1। सो नेक्स्ट वी डिस्कस एंड थ्योरम नंबर 8.1। व्हाट इज गिवन इन ए पैरोग्राम अपोजिट साइड्स आर सेकंड प्रॉपर्टी बात करें आप ही कह रहा है। Prove that a parallelogram opposite sides are opposite sides are बेटा ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए जरा थ्योरम में सबसे पहले नोटिस करें गिवन क्या है। तो बेटा एक ये पैरोग्राम गिवन है हमारे पास, ये है ए बी सी और डी और ये डायगोनल प्रॉपर्टी गिवन में क्या लिखे एक पैरोग्राम A, B, C, D is given. To prove, हमें क्या प्रूफ करना A, B equal to C, D और A, D equal to क्या प्रूफ करना है इसे। To construct कोई भी एक डायगोनल यानी कि जॉइंट इसे। आप जरा देखिए प्रूफमेंट में तो हम इसके प्रूफमेंट में बात करते हैं दो ट्राइंगल लिए। पहला लिया एन ट्राइंगल एबीसी एंड सेकेंड कौन सा लिया एन ट्राइंगल वही प्रूफ करते हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर ये दोनों इक्वल। तो पहले प्रूफ करेंगे तो क्या लेगा एंगल BAC इक्वल टू क्या होगा BCA। रीजन क्या है अपोजिट साइड बेटा पैरेललोग्राम है तो बेसिक प्रॉपर्टी हम ये जानते हैं अपोजिट साइड पैरेलल है तो पैरेललोग्राम होगा। पैरेलल तो इसका मतलब ये क्या हो गया अल्टरनेट एंगल AC इक्वल टू AC ये क्या है कॉमन। तो नेक्स्ट पे बात करते हैं नेक्स्ट क्या है एंगल ACD इक्वल टू क्या हो गया एंगल CAD वही बेटा रीजन अल्टरनेट रीजन प्रॉपर राइट करना बेटा कंपलसरी है अल्टरनेट इंटीरियर है। अब ये दोनों बेटा अगर कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब ABC कॉन्ग्रेंट को हम क्या राइट कर सकते हैं ADC बाय व्हिच रूल बाई एंगल साइड। अब ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो बाई सी बी सी डी करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे तो ए बी इक्वल टू सी डी बाई सी बी सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी बाई बेटा सी बी सी बी सी हैंस ठीक है दैट्स क्लियर। ये थ्योरम थी 8.2 पहले प्रॉपर्टीज हो गई कि पैरेललोग्राम एक तो डायगोनल टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है दूसरा जो पैरोग्राम होता है उसके अपोजिट साइड इक्वल होती है। तीसरी प्रॉपर्टी पे बात करते हैं प्रॉपर्टी यानी कि थ्योरम की क्वांटिटी पे बात करेंगे। देखिए बेटा जस्ट कन्वर्स ऑफ 8.3 थ्योरम जस्ट कन्वर्स ऑफ 8.2 इसका कन्वर्स देखिए क्या है
आपसे कह रहा है ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ कॉइल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल देन इट इज अ पैरोग्राफ. क्वेश्चन क्या है, इफ ईच पेयर ऑफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल then it is a parallel. क्या अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड का पेयर इक्वल है तो क्या होगा, पैरोग्राम होगा. तो आप इसका ट्रेन हमें प्रूफ करना है पैरोग्राम, तो हम डायग्राम भी इसका ड्रॉ करेंगे पैरोग्राम. ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि अपोजिट साइड इक्वल है, हमें क्यों लिखता है AB इक्वल टू CD है और AD इक्वल टू क्या होता है BC, ये इसके इक्वल है. तो प्रूफ हमें ये प्रूफ करना था कि ABCD इज ए पैरेलल. We have need to prove that ABCD is a ABCD को हमें पैरोग्राम प्रूफ करना है. ठीक है, इस पे बात. तो बेटा सिंपल सी बात है, जब भी पैरोग्राम प्रूफ करना हो तो हमें क्या प्रूफ करना है कि इनकी अपोजिट साइड क्या है बेटा, पैरोग्राम. यू नो दैट अपोजिट साइड पैरोग्राम कब होंगी, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड क्या होंगी बेटा, पैरोग्राम. तो देन इस पे फर्स्ट पे तो राइट कर लिया एक ट्राइंगल कौन सा लिया एबीसी और दूसरा ट्राइंगल क्या हो गया एबीसी. एक ट्राइंगल एबीसी दूसरा क्या हो गया बेटा एबीसी. ठीक है, अब एक ट्राइंगल एबीसी दूसरा कौन सा लिया एबीसी लेंगे तो इन दोनों को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे. तो सबसे पहले लिया हमारे पास क्या है AB इक्वल टू CD ये AB equal to BC बेटा ये भी गिवन है और तीसरा AC equal to बेटा क्या हो गया AC. रीजन क्या लिखेंगे आप, सो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू क्या होगा ABC बाई साइड्स बेटा. ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बेटा कैसे होंगे, इक्वल होंगे. तो यानी कि ये दोनों एंगल पर इसके पोस इसके पोस साइड ये हो गए, इसके पोस साइड दोनों इक्वल हो गए. तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल इससे पहले बात करते हैं एंगल ए सी बी इक्वल टू क्या होगा एंगल सी ए डी बाई सी बी सी. अब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो इस और दूसरा क्या होगा एंगल, ये दोनों एक तो इक्वल हो गए, दूसरा क्या हो गया एंगल बी ए सी, ये दोनों भी इक्वल होंगे. बी ए सी इक्वल टू क्या होगा एंगल बी सी ए बाय सी बी सी. तो बेटा सच दैट आप एक कॉपी लिखेंगे सच दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल सो ऑपोजिट साइड क्या होंगे पैरेलल ए बी पैरेलल टू सी डी और ए डी पैरेलल टू क्या है दिस क्लियर. अब देखो अपोजिट साइड अगर पैरेलल होगी सो वी कैन राइट डाउन
ABCD is a parallelogram. ठीक है, 8.3 थ्योरम हो गई. ओके, अब नेक्स्ट पे बात करते हैं. नेक्स्ट थ्योरम लेते हैं 8.4. 8.4 इन ए पैरोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गई इन ए पैरोग्राम अपोजिट एंगल्स आर समथिंग. नेक्स्ट थ्योरम प्रूव दैट इन ए पैरोग्राफ